여기 우산실입니다여탈련데요 네, 배가 침몰된 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 저기도 가고 있었는데 네. 여기 지금 배가 탈련서탈련것 같아요, 지금. 잠깐만요, 배가 잠깐만요. 배가 잠깐만요. 자, 지금 타고 오신 배가 침몰한다는 소리 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 하, 배가 침몰요 위치 말주세요 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 모른다고요. 거기 अप्रैल सोलह ट्वेंटी फोर्टीन ये कॉल आठ बजकर बावन मिनट पर कोरियन इमरजेंसी टेलीफोन नंबर पर की गई थी ये कॉल आई थी सीवोल फेरी पर सवार एक पैसेंजर के फोन से ये फेरी कोरिया के इंचन से जेजू आइलैंड पर जा रही थी इस जहाज में टोटल 476 पैसेंजर्स थे जिसमें से 325 बच्चे डैनवन हाई स्कूल के थे जो स्कूल ट्रिप पर थे सोलह साल के वो बच्चे हंसते गाते बड़ी खुशी से नजारों के मजे लेते हुए जा रहे थे ये फेरी एक क्रूज और कार्गो शिप का कॉम्बिनेशन था इसके ऊपर वाले हिस्से में रहने और सोने के लिए कैबिंस थे और नीचे वाले हिस्से में सामान ले जाने के लिए जगह बनी थी हाल ही में इस शिप को अपग्रेड किया गया था इसमें नए रूम्स और नीचे वाले हिस्से में और कार्गो ले जाने के लिए जगह बनाई गई थी पर यह अपग्रेड इस शिप के लिए बहुत ही घातक रहा शिप में आए स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट की तरफ चली गई जिससे इसका डिजाइन काफी इम्बैलेंस्ड हो गया इसी के साथ कई और फैक्टर्स ने इस हादसे में अपनी भूमिका निभाई इस शिप की मैक्सिमम कार्गो लिमिट नौ टन थी पर उस दिन ये जहाज़ ढाई हज़ार टन कार्गो ले जा रहा था जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और ट्रक्स शामिल थे शिप को सही से बैलेंस्ड रखने के लिए बैलेंस्ड वाटर का यूज किया जाता है इस वाटर की रिकमेंडेड वैल्यू दो टन थी पर पोर्ट इंस्पेक्शन से बचकर एक्स्ट्रा कार्गो ले जाने के लालच में उस दिन बैलेंस्ड वाटर सिर्फ 550 टन रखा गया था इतने सारे नेग्लिजेंस के बाद भी इस फेरी को ले जाने के लिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत थी पर इसके कैप्टन ली जून सियोक उस वक्त आराम से अपने केबिन में सो रहे थे और जहाज स्टीयर कर रहे थे पचपन साल के ओ योंग सियोक और उसके साथ थी थर्ड मेट पार्क जो महज छब्बीस साल की थी वो जहाज के सेफ्टी इक्विपमेंट्स की इंचार्ज थी इन दोनों को ही जहाज चलाने का सिर्फ छह महीने का एक्सपीरियंस था इंसिडेंट वाले दिन पार्क शिप की स्पीड को मॉनिटर कर रही थी जो कि 18 नॉट्स थी। जब उसने फेरी का रेडार चेक किया तो रेडार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करने को इंस्ट्रक्ट कर रहा था पर उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त उस एरिया में लहरें तेज थीं ऐसी सिचुएशन में ही एक कैप्टन का एक्सपीरियंस काम आता है जो कि वहां थे ही नहीं पार्क ने ओयोंग से स्टीयरिंग व्हील को पांच डिग्री राइट घुमाने के लिए कहा योंग ने वैसा ही किया पर जहाज़ का सिर्फ आगे का हिस्सा ही राइट की तरफ मुड़ा और पीछे का हिस्सा अब भी पानी के तेज बहाव से लेफ्ट की तरफ ही जा रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो सिचुएशन को देखकर घबराने लगे अब उनके पास शिप को लेफ्ट घुमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो पार्क ने योंग को व्हील पांच डिग्री लेफ्ट की तरफ घुमाने को कहा पर उसके बाद भी जहाज सीधा नहीं हुआ तो उन्होंने इसे दस डिग्री और घुमा दिया इससे शिप अपना कंट्रोल खो बैठा और स्टीयरिंग व्हील खुद घूमने लगा जिससे शिप एक तरफ झुकने लगा नॉर्मली ऐसा होने पर शिप खुद बाखुद सीधा हो जाता था पर उस वक्त वो ओवरलोडेड था जहाज के झुकने से इसमें रखी गाड़ियां भी उसी तरफ सरक गईं और शिप की दीवार से टकराई जिससे पानी लीकेज शुरू हो गया क्योंकि उन गाड़ियों को बांधा ही नहीं गया था जिससे जहाज और टेढ़ा हो गया इस टक्कर की आवाज़ सारे पैसेंजर्स को सुनाई दी थी और उन्हें जहाज का थोड़ा झुकना भी नोटिस किया था पर उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या यह आवाज सुनकर कैप्टन और बाकी का क्रू भी ड्राइवर केबिन में भागा आया जब कैप्टन ने नीचे जाकर बेसमेंट में देखा तो उसने पाया कि पानी बहुत तेजी से अंदर भरने लगा था वो तेजी से कंट्रोल रूम तक भागा और शिप के इंजिन को ऑफ कर दिया गया एक अनाउंसमेंट भी की गई कि सब लोग अपनी लाइफ जैकेट पहन ले और जो जहां है वही रहे इतने दो दो कि क्लेम किया गया कि पैसेंजर्स का इधर उधर घूमना बहुत खतरनाक है सब बच्चों ने अनाउंसमेंट को फॉलो किया और वो लाइफ जैकेट पहनकर वहीं दीवारों और पिलर्स का सहारा लेकर अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करने लगे पर उन मासूम बच्चों को मामले की गंभीरता के बारे में अंदाजा नहीं था वो लोग आराम से बैठे हंसी मजाक में कह रहे थे कि कहीं ये फेरी भी टाइटेनिक की तरह डूब तो नहीं जाएगी उन सोलह साल के बच्चों को लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रोफेशनल्स द्वारा ठीक कर दी जाएगी आठ बजकर पचास मिनट पर जहाज़ तीस डिग्री के एंगल पर झुक गया था जिससे लोअर लेवल्स में और पानी भर गया था जो जहाज पर और दबाव डालने लगा आठ बजकर पचपन मिनट पर इस शिप से पहली डिस्ट्रेस कॉल वेसल ट्रैफिक सर्विस को की गई तब उन्हें पता चला कि उनसे पहले ही एक बच्चे ने इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल कर दी थी और वो लोग ऑलरेडी उनकी मदद के लिए रास्ते में थे जहाज झुकता ही जा रहा था और जहाज का स्टाफ पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने की बजाय बार बार माइक पर यह अनाउंस कर रहे थे कि वो सब अपने केबिन में ही रहे वही वो सेफ है एक स्टूडेंट ने अपने दोस्तों को इस बारे में कहा भी ऐसे ही एक सिमिलर सबवे इंसिडेंट में लोगों को वहीं रुकने के लिए कहा गया था

और इस लड़की की बात सच भी होने वाली थी कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फैमिली मेंबर्स को मैसेज कर हालत के बारे में बता दिया था पर घर वालों ने भी उन्हें अपने टीचर्स और वहां की अथॉरिटीज की बात मानने को कहा वी ने कैप्टन को इवैक्यूएशन का डिसीजन लेने को कहा पर वो आधे घंटे तक सिर्फ अपने डिस्कशंस में ही लगे रहे नौ बजकर तीस मिनट पर स्टाफ को पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया गया तब तक वहां कोस्ट गार्ड की बोट्स और हेलीकॉप्टर पहुंच चुके थे पर ये बात सारे पैसेंजर्स तक पहुंचाने की बजाय वो सब अपने आप को बचाने में लग गए जब पहली बोट वहां पहुंची थी तो खुद की जान बचाने वाला कोई पैसेंजर नहीं बल्कि इस जहाज का बेशरम कैप्टन ली जून था इसके साथ साथ सारा क्रू जहाज छोड़कर भाग गया अगर वो भागते हुए कैमरा में कैद ना हुए होते तो ये कभी लोगों के सामने नहीं आता जो लोग नीचे के फ्लोर्स पर आगे के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे थे उन तक वो खबर कभी पहुंची ही नहीं सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि इवैक्यूएशन की कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई कुछ पैसेंजर्स ने अपने दिल की सुनी और जान बचाने के लिए वो ऊपर की तरफ डेक पर आ गए कुछ ने तो आनन फानन में पचास फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी जिससे रेस्क्यू बोट्स ने उन्हें बचा लिया पर बाकी बचे लोग इसी उम्मीद में वही रहे कि रेस्क्यूअर्स उन्हें बचा लेंगे नौ बजकर अड़तालीस मिनट तक जहाज काफी झुक चुका था अब जो स्टूडेंट्स वहां से बचकर निकलना चाहते थे वो भी ट्रैप हो गए ये वैसा ही है कि मानो आप फर्श पर हो और बाहर निकलने का रास्ता कमरे की छत पर हो जहां आप अब आसानी से नहीं पहुंच सकते उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की भी होगी या उन्होंने पानी भरने का वेट किया हो ताकि वो तैरते हुए बाहर निकल सके पर पानी भरने के बाद भी वो लोग इतने बड़े जहाज में सोलह साल के वो बच्चे सीढ़ियों और कमरों की भूल भुलैया से कैसे बाहर आ पाते वहां पर रेस्क्यूअर्स और मछुआरों की बहुत सारी बोट्स आ चुकी थीं पर जहाज ऐसी कंडीशन में हो चुका था कि वो लोग चाहकर भी किसी को अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते थे बहुत सारे लोग खिड़कियों से उन रेस्क्यू बोट्स को देख सकते थे उन्होंने खिड़की तोड़ने की भी कोशिशें की थी पर वो नाकाम रहे मौत को सामने देख But Goodbye messages Karnashirukardi. To this the father responded, I know help is on the way, but if possible, get outside. To this the son texts back, No, Dad, I can't. The ferry is too tilted. There are no kids out in the hallways. Another passenger, this time a son, texted his mother. Mom, just in case I don't have another chance to say it, I love you. The mother replied, but clearly unaware of his situation. दस बजकर सत्रह मिनट पर जहाज़ से आखिरी टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था दस बजकर तेईस मिनट तक ये फेरी पूरी तरह से उलटी हो चुकी थी कोस्ट गार्ड बस हेल्पलेस होकर देखते रह गए क्योंकि एक बार सारे एग्जिट पॉइंट्स पानी में हो जाने के बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी कि कोई बच्चा या पैसेंजर अंदर से बचकर बाहर आ सकता था कुछ देर बाद सारा जहाज़ पानी में समा गया और दुख की बात यह थी यह सारा वीडियो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था पेरेंट्स और रेस्क्यूअर्स उन तस्वीरों को देखते ही रह गए पर उन्हें बस इतनी सी उम्मीद थी कि क्या पता शिप में कोई एयर पॉकेट बन गया हो और उन्हें कोई जिंदा मिल जाए पर ऐसा हुआ नहीं ये साउथ कोरिया के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी इस हादसे में 304 लोगों की मौत हुई जिसमें 250 स्कूल स्टूडेंट्स थे जिन्हें सिर्फ बड़ों की बात मानने की सजा मिली रेस्क्यूअर्स और लोकल मछुआरे सौ लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे इस जहाज से डेड बॉडीज रिकवर करने का काम भी आसान नहीं था रिकवरी मिशन के दौरान भी दो रेस्क्यू डाइवर्स ने अपनी जान गंवा दी इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल कांग मीन क्यू जिन्हें शिप से रेस्क्यू कर लिया गया था इस हादसे के दो दिन बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली चार दिन से इस ऑपरेशन में बिजी रेस्क्यूअर्स को घर ले जाता एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई सिवोल फेरी ट्रेजेडी के बाद पूरे कोरिया में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी चीफ इंजीनियर पार्क को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट ने तीस साल की सजा सुनाई बाकी तेरह और लोगों को बीस बीस साल की सजा मिली और इस फेरी के कैप्टन ली को आजीवन कारावास मिला इस हादसे के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार थे पर अगर सही टाइम पर पैसेंजर्स को इवैकुएट करने के लिए ऑर्डर दिए जाते या कम से कम उन्हें ऊपर वाले डेक की तरफ बढ़ने के लिए कहा जाता तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी पर इंसान के लालच और लापरवाही की भेंट उन तीन सौ चार लोगों की जिंदगी छड़ गई ये थी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना फिर एक सच्ची घटना के साथ वापिस आऊंगा मैं आपका साथी नकाबपोश